हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये लिव इन कंडीशनर कम हेयर सीरम दोनों है। हेयर सीरम आपको पता है कि क्या होता है? मैं आपको लिव इन कंडीशनर के बारे में बता दूं। हेयर वॉश करने के टाइम में जो हम कंडीशनर यूज करते हैं उसे हम कुछ ही समय में धो देते हैं, लेकिन इस कंडीशनर को आपको हेयर वॉश करने के बाद यूज करना है और इसे वॉश नहीं करना है। ये हमारे ड्राई बालों को मॉइस्चराइज करता है, हमारे बालों को डिटेंगल करता है, हमारे बालों से फिटनेस कंट्रोल करता है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए ब्लेंडर में एलोवेरा जेल 7 से 8 चम्मच लेंगे। यहाँ पे आप रेडीमेड एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल 3 चम्मच, नॉर्मल हेयर है तो 2 से 3 चम्मच और अगर ज्यादा ड्राई हेयर है तो 3 से 4 चम्मच हम यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच विटामिन ई ऑयल लेंगे या फिर आप 3 से 4 विटामिन ई कैप्सूल यूज कर सकती हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 8 से 10 चम्मच रोज वाटर और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और ये हो गया आपका लिव इन कंडीशनर कम हेयर सीरम। ये बहुत ही क्रीमी है, बिल्कुल आपके कंडीशनर की तरह, और आप इसे हेयर सीरम की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसे आप 1 महीने के लिए आराम से रूम टेम्परेचर पर स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे हम हेयर सीरम अप्लाई करते हैं वैसे थोड़ा सा हाथों पर ले और इसे अच्छे से मिलाएं और अपने बालों पर अप्लाई करें। अगर आपके बाल ज्यादा ड्राई हैं तो हेयर वॉश करने के 5 मिनट बाद अप्लाई करें और जब आपके हेयर पूरी तरह से सूख जाएं तब एक बार और अप्लाई करें। अगर आपके बाल नॉर्मल हैं, तो आप इसको एक ही बार अप्लाई करें आधे गीले और आधे सूखे बालों पर। इसको आप अपने बालों की एंड पर लगाना ना भूलें क्योंकि इससे दो मुंहे बाल भी नहीं होते। इसे आप कभी भी यूज कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आपके बाल ड्राई और फ्रिजी लग रहे हैं तब उनमें साइन लाने के लिए आप कभी भी यूज कर सकते हैं।